चाणक्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करोड़पति मुख्यमंत्रियों के बारे में। देश में किस मुख्यमंत्री के पास कितना पैसा है, कौन कितना अमीर है, इसका जवाब मिल गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी सबसे अमीर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संस्था द्वारा चुनावी हलफनामों के विश्लेषण के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों में 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ADR ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 163 करोड़ के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, हालांकि पहले और दूसरे स्थान के बीच में अंतर काफी बड़ा है। वहीं इसी सूची में तीसरे नंबर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 63 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिर्फ 10वीं पास है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पास PhD की डिग्री है। देश में 43% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस भी हैं। 12 अप्रैल को जारी ADR की रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आई हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास हमारे पास सिर्फ एक मुख्यमंत्री है। 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 12वीं पास है। 11 मुख्यमंत्री ग्रेजुएट है, 4 ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स हैं, 9 पोस्ट ग्रेजुएट है, 1 के पास डिप्लोमा है और 1 के पास डॉक्टरेट की उपाधि है। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। ADR रिपोर्ट की हाइलाइट्स देखते हैं। ADR के नेशनल इलेक्शन वॉच ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों का डेटा शामिल है। ये डेटा मुख्यमंत्रियों के शपथ पत्र का विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के CM नीतीश कुमार दोनों के पास 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम घोषित संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी, केरल के पिनाई विजयन और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। ममता बनर्जी के पास 15 लाख तक की संपत्ति है, वहीं केरल के मुख्यमंत्री के पास 1.18 करोड़ की संपत्ति है और मनोहर लाल खट्टर के पास 1.27 करोड़ की संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं, यानी कि 97% मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए 33.96 करोड़ रुपए होगी। ADR की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम पैसे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में 26वें स्थान पर हैं। CM योगी के पास करीब 1.55 करोड़ की संपत्ति है। सिर्फ 4 मुख्यमंत्रियों के पास उनसे कम संपत्ति है। आपराधिक मामलों की अगर बात करें तो ADR रिपोर्ट के अनुसार 30 मुख्यमंत्रियों में से 13 ने हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों की भी घोषणा की है और ये 43% है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में 5 से अधिक के कारावास के साथ गैर जमानती अपराध भी शामिल है। तो टोटल मुख्यमंत्रियों में से हम बात करें तो 13 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं और 13 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, यानी कि जो 13 लोग हैं उन दोनों पे सामान्य और गंभीर दोनों तरह के अपराध हैं। 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, यानी कि 97% मुख्यमंत्री करोड़पति हैं और मुख्यमंत्रियों की औसतन संपत्ति 33.96 करोड़ है। लिंग विवरण की अगर बात करें तो टोटल मुख्यमंत्रियों में से 1 महिला प्रतिनिधित्व है, जो कि 3% की भागीदारी रखती है। अब हम बात करेंगे ADR के बारे में। इलेक्शन वॉच ADR का प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2002 से नेशनल इलेक्शन वॉच और ADR पूरे देश में इलेक्शन वॉचेस का संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के
हलफनामों की सूक्ष्मता से जांच की जाती है और नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सके। इस रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का डेटा शामिल नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वहां कोई सीएम नहीं है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।